वेलकम व्यूअर्स, टुडेज टॉपिक इज मॉडर्न और अमेरिकन और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच टू रिकॉर्ड इन डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक या अमेरिकन या लेखा समीकरण के तरीके से व्यावसायिक लेन देनों को डेबिट और क्रेडिट में कैसे लिखा जाए। इस वीडियो में हम आपके पास सामने में इस अप्रोच से लेन देनों को लिखने के कारण से लेन देनों का क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्ग बतलाया गया है, उन सभी वर्गों की जानकारी देंगे। साथ में उसमें लिखने से संबंधित नियम या रूल की जानकारी देंगे और इन नियमों का उन खातों के प्रॉपर अकाउंटिंग के लिए हम उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ आपको इसकी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस अंडर अमेरिकन और मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्लासिफाइड अंडर मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। आधुनिक तरीके से लेन देनों को लिखने के कारण से लेन देनों के पांच प्रकार बतलाए गए हैं। लेन देनों अथवा खातों के पांच प्रकार बतलाए गए हैं। पहला प्रकार है हमारा एसेट्स, दूसरा प्रकार है लेन देनों का लायबिलिटीज, तीसरा है हमारा कैपिटल, चौथा है एक्सपेंसेस और लॉस से नेचर से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस, और अंतिम है हमारा प्रॉफिट या इनकम से संबंधित लेन देन। तो सबसे पहले एसेट्स की बात करते हैं, संपत्ति, हिंदी में जिसे हम कहते हैं संपत्ति। संपत्ति का मतलब हम पहले ही बतलाए हैं, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पहलू है, बातें हैं। नंबर इज, वन इज ओनरशिप विथ बिजनेस, ऐसी सभी चीजें जो जिस पर व्यवसाय का स्वामित्व है, मालिकपन है। और नंबर दो, पोजिशन विथ बिजनेस और अदर्स, उस पर अधिकार या तो व्यवसाय का है या किसी और का भी है, चलेगा। हर स्थिति में ऐसी चीजें बिजनेस की संपत्ति हो जिसमें कि मालिक व्यवसाय हो और उसका स्वामित्व, उसका अधिकार या तो व्यवसाय के पास है या व्यवसाय के बाहर किसी और के पास में भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के रूप में, कैश। कैश का सिंपल मीनिंग होता है कैश इन टू दी हैंड्स ऑफ बिजनेस। व्यवसाय में रुका हुआ या रखा हुआ धन को हम कैश के नाम से जानते हैं। इसी का दूसरा नाम, पूरा नाम है कैश इन हैंड। जैसा कि स्पष्ट हो रहा है, दुकान का पैसा है, दुकान के हाथ में है, दुकान के लिए एसेट्स है। नेक्स्ट है बैंक, जिसका पूरा नाम है कैश एट बैंक। इसका मीनिंग होता है दुकान का पैसा, बिजनेस का पैसा, बिजनेस के बैंक अकाउंट में है। यानी अमाउंट ऑफ बिजनेस इज एसेट्स फॉर बिजनेस, ओनरशिप ऑफ बिजनेस, बट पोजीशन जो है बिजनेस का नहीं है। तो जैसा कि बताया, पोजीशन जरूरी नहीं है बिजनेस का होना, उस पर कब्जा व्यवसाय का होना जरूरी नहीं है, लेकिन मालिकपन स्वामित्व बिजनेस का होना चाहिए। तो यहां पर कैश एट बैंक में भी ओनरशिप बिजनेस का है, लेकिन पोजीशन जो है दूसरे किसी का है, अर्थात यह भी बिजनेस के लिए एसेट्स का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से डिपॉजिट्स, मतलब बिजनेस का पैसा कहीं डिपॉजिट है, इन्वेस्ट किया हुआ, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब बिजनेस की संपत्ति है। बिजनेस में बचा हुआ गुड्स, जिसको हम स्टॉक के नाम से जानते हैं, बिजनेस में रिटेन्ड अमाउंट ऑफ या वैल्यू ऑफ गुड्स है, इट मींस एसेट्स फॉर बिजनेस। डेटर्स, बिजनेस को लोग पैसा देने वाला है, बाकी पैसा देने वाला है, ओनरशिप इस पैसे पर भी बिजनेस का है, बिजनेस की संपत्ति एसेट्स है। बिल्डिंग मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर, टाइपराइटर, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं इंफॉर्मेशन है, सिंपली लिखा है बिल्डिंग मशीन फर्नीचर। तो जैसा कि हम जानते हैं, ट्रांजैक्शंस जो भी रिकॉर्डेड है इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, और बिजनेस के बुक में अगर बिल्डिंग है तो ये माना जाएगा, इट इज एज्यूम दैट ओनरशिप ऑफ बिजनेस ऑफ बिल्डिंग इज विथ बिजनेस, व्यवसाय के पास उसका स्वामित्व है। अगर व्यवसाय के रजिस्टर में है, इसका मतलब व्यवसाय का है, व्यवसाय का स्वामित्व है, ओनरशिप है, इसका मतलब एसेट्स फॉर बिजनेस है। इस तरीके से स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ऐसा बिल जिसका पैसा हमें मिलने वाला है, मींस
हमारे बिजनेस को मिलने वाला है, बिजनेस के लिए ये सब एसेट्स का रूप है। प्रीपेड एक्सपेंसेस मीन्स एक्सेस पेड एडवांस पेड एक्सपेंसेस, किसी को भी जरूरत से ज्यादा काम से ज्यादा पैसा दे दिए हैं तो उस पैसे पर ओनरशिप वापस बिजनेस का ही है, इसलिए बिजनेस के लिए वो संपत्ति है, एसेट्स। अर्नड इनकम या एक्रुएड इनकम, मतलब ऐसा इनकम जो मिलना है, हमने काम कर लिया है, किसी का सर्विस प्रोवाइड कर दिया है लेकिन पैसा नहीं मिला है, तो वो अमाउंट जो हमें मिलना है बिजनेस के लिए, हमें मिलना है मीन्स बिजनेस को मिलना है, बिजनेस के लिए एसेट्स है। एसेट्स का एग्जाम्पल्स ये। दूसरा क्लासिफिकेशन है हमारा लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, तो जस्ट एसेट्स का अपोजिट है। यहां पर ओनरशिप विथ अदर्स है कंपल्सरी, अनिवार्य रूप से मालिक कोई और है, लेकिन पोजीशन जो है चीजों का, कब्जा जो है वो व्यवसाय के पास है। तो ऐसे सभी चीजों को हम लायबिलिटीज के क्लासिफिकेशन में रखते हैं, लायबिलिटीज के वर्ग में रखते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में हम कह सकते हैं लोन। लोन का सिंपल मीनिंग होता है लोन टिकट। सिर्फ लोन लिखा है इसका मतलब माना जाता है हमने कर्ज लिया, और कर्ज लिया तो पैसा तो मेरे पास है, बिजनेस के पास है, लेकिन ओनरशिप बिजनेस का नहीं है, किसी और का है। लायबिलिटीज फॉर बिजनेस है। तो लोन हो, लोन फ्रॉम एक्स वाई जेड हो, लोन टेकन हो, ऑल आर लायबिलिटीज, एग्जांपल ऑफ लायबिलिटीज। उसी तरीके से बैंक लोन हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो, मॉर्टगेज लोन हो, या लोन अगेंस्ट लियन ऑफ एसेट्स, संपत्ति या कोई चीज गिरवी रख करके हमने कर्ज लिया, तो कर्ज तो कर्ज है, और कर्ज लिया मतलब पैसा बिजनेस में है लेकिन ओनरशिप किसी और के पास है, इसका मतलब है वो लायबिलिटीज कर्ज। इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसा एक्सपेंसेस जो देना है, मतलब ओनरशिप किसी और का है तो अभी फिलहाल मेरे पास, हमें देना है, हमारे बिजनेस को देना है, मींस लायबिलिटीज फॉर बिजनेस। इसी तरीके से अनअर्न्ड, अनअर्न्ड मतलब काम नहीं किया है, या अनएक्यूएट मतलब हमने काम नहीं किया, सर्विस नहीं प्रोवाइड किया लेकिन पैसा हमें मिल चुका है, तो इस पैसे पर भी ओनरशिप हमारा नहीं है, वापस इसे लौटाना पड़ेगा चूंकि हमने काम नहीं किया, इसका मतलब ये भी हमारे लिए लायबिलिटीज का रूप है। या बिल्स पेबल, ऐसा बिल जिसके बदले में हमें पेमेंट करना है, पैसा लौटाना है, देना है, हमारे लिए लायबिलिटीज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है कैपिटल। जैसा कि हम पहले से भी जानते हैं, कैपिटल मीन्स अमाउंट ऑफ बिजनेसमैन इनटू देयर ओन बिजनेस, व्यवसाय में उसके मालिक के धन को हम पूंजी का नाम देते हैं। तो पूंजी में कौन सा वैल्यू आ जाएगा, अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड भी कैपिटल है, और सिर्फ पूंजी में वो मूल्य नहीं आएगा जिससे कि कैपिटल वैल्यू बढ़ता है बिजनेस में, कैपिटल को घटाने वाले आइटम भी पूंजी से रिलेटेड है, कैपिटल से रिलेटेड है, अर्थात उसे हम कैपिटल का ही पार्ट मानेंगे। जैसे ड्राइंग्स पर्सनल यूज के लिए मालिक ने, प्रोप्राइटर ने, बिजनेसमैन ने निकाल दिया अपने व्यवसाय से अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए। बिजनेस में होने वाला प्रॉफिट, नेचुरली बिजनेस का प्रॉफिट ओनर या प्रोप्राइटर का प्रॉफिट है, प्रोप्राइटर्स अमाउंट मीन्स कैपिटल अमाउंट इससे इंक्रीज करेगा, लॉसेस जो है बिजनेस का कैपिटल अमाउंट को डिक्रीज करेगा। ये हमारा कैपिटल का एग्जांपल्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आता है एक्सपेंसेस या लॉस। एक्सपेंसेस और लॉस का मतलब क्या होता है, तो वैसा सभी वैल्यू या अमाउंट जो हम पे करते हैं फॉर नॉमिनल रीजंस, फॉर नॉमिनल नेचर, जो नाम मात्र के व्यवहार या कारणों से हम मूल्यों का भुगतान करते हैं, ऐसे सभी ट्रांजेक्शन्स को हम नॉमिनल नेचर का और पेमेंट कर रहे हैं मतलब एक्सपेंसेस या लॉस है। जैसे एग्जांपल में हम आपको बतला रहे हैं यहां पर परचेजेस, सामानों को हम खरीदें तो पैसा पेमेंट कर रहे हैं, इसी तरीके से परचेजेस ऑफ गुड्स हो गया, इसी तरीके से रेंट, वेजेस, सैलरीज, टैक्सेस, इंश्योरेंस, ये सब पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। इसमें पेड लिखा हो, एक्सपेंसेस लिखा हो, या कुछ भी नहीं मेंशन है, जस्ट रेंट है, तब भी हम एज्यूम करेंगे ये एक्सपेंसेस ही है, क्योंकि इनकम होने से क्लियरली लिखा रहेगा, लिखा रहना चाहिए, अदरवाइज रेंट, वेजेस, सैलरीज, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, कमीशन, बैड डेट्स, ऑल आर ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस अमाउंट। इसी तरीके से लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय फायर, डिस्काउंट अलाउड, ये सब एग्जांपल्स हैं एक्सपेंसेस और लॉस के। जस्ट अपोजिट इनकम या प्रॉफिट, मतलब नॉमिनल नेचर के ट्रांजेक्शंस के कारण आने वाला पैसा, टेम्पररी रीजन से बार बार आने वाला पैसा, ऐसे मूल्यों को हम नॉमिनल नेचर के इनकम या प्रॉफिट में शामिल करते हैं, जैसे रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, रिसीव, क्लियरली मेंशन, रिसीव मिल रहा है,
अर्थात ये इनकम का एग्जाम्पल हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड है तो इनकम का एग्जाम्पल हो जाएगा। सेल्स, सामान बेचने से जो पैसा आ रहा है, इनकम का एग्जाम्पल हो जाएगा। इस तरीके से हम इस क्लासिफिकेशन के बेसिस से हम यहां पर डेबिट और क्रेडिट करेंगे। अब डेबिट और क्रेडिट का रूल क्या है, इसकी भी जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न और अमेरिकन और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, द रूल टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शंस और एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम, प्रॉफिट इनटू डेबिट एंड क्रेडिट आर, डेबिट और क्रेडिट में एसेट्स को, लायबिलिटीज को, कैपिटल को, एक्सपेंसेस, लॉस को, इनकम, प्रॉफिट को लिखने के नियम जो हैं, उन नियमों में रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट में एसेट्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं रूल को। तो एसेट्स के लिए साफ साफ मालूम होना चाहिए आपको, पहले से भी ट्रेडिशनल तरीके से हमें भी हम बतला चुके हैं, एसेट्स बिजनेस अमाउंट है और बिजनेस अमाउंट इज एसेट्स फॉर बिजनेस एंड रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। तो एसेट्स का रूल है डेबिट में लिखना, कॉमन सेंस की बात है। जब एसेट्स डेबिट में लिखा जाता है तो एसेट्स में अगर इंक्रीज होता है, दाम उसका बढ़ता है, तो उसे भी हमें डेबिट में लिखना चाहिए। तो एसेट्स का नेचुरल साइड है डेबिट, इंक्रीज होने से भी डेबिट में लिखेंगे, और जस्ट अपोजिट डिक्रीज होने से साइड ऑफ अकाउंटिंग हो जाएगा हमारा क्रेडिट। एसेट्स का जस्ट अपोजिट है लायबिलिटीज, तो रूल उलट जाएगा। मतलब हमारे कहने का है लायबिलिटीज का नेचुरल साइड क्रेडिट होगा, इंक्रीज इन लायबिलिटीज अगर हमारे ट्रांजेक्शन से नजर आ रहा है तो भी क्रेडिट करेंगे, और डिक्रीज इन लायबिलिटीज अगर ट्रांजेक्शन से पता चल रहा है तो कहां लिखेंगे, तो डेबिट। नेक्स्ट आ जाता है कैपिटल। कैपिटल भी ऑलमोस्ट लायबिलिटीज नेचर का है, क्योंकि यह भी पैसा है बिजनेस में, लेकिन बिजनेस का ओनरशिप नहीं है, उसके मालिक का ओनरशिप है, उसके बिजनेसमैन का ओनरशिप है। तो लाइक लायबिलिटीज है, इसलिए रूल भी लायबिलिटीज वाला ही लगेगा। ऑलमोस्ट मीन्स कैपिटल का नेचुरल साइड क्रेडिट होगा, इंक्रीज इन कैपिटल किसी भी ट्रांजेक्शन से है, जैसे मालिक ने और फर्दर इंट्रोड्यूस किया कैपिटल, या बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, तो ये सब इंक्रीज नेचर ऑफ कैपिटल है, दैट्स व्हाई क्रेडिटेड। और डिक्रीज नेचर ऑफ लायबिलिटीज या कैपिटल है तो क्रेडिट करेंगे, जैसे लॉसेज हो गया, ड्रॉइंग्स हो गया, ये सबसे कैपिटल वैल्यू डिक्रीज होगा, इसलिए हम इसे डेबिट करेंगे। सॉरी, कैपिटल क्रेडिट है, इंक्रीज होने से क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज होने से डेबिट करेंगे। नेक्स्ट एक्सपेंसेस लॉस। एक्सपेंसेस लॉस के बारे में भी आपको जानकारी है, इसका नेचुरल साइड होता है एक्सपेंसेस लॉस का डेबिट। तो एक्सपेंसेस लॉस डेबिट होगा, एक्सपेंसेस लॉस में इंक्रीज होगा, बढ़ोतरी होगी, फेस अमाउंट पेमेंट करेंगे किसी भी एक्सपेंसेस लॉस के लिए तो भी डेबिट में लिखेंगे, और डिक्रीज अगर होगा, उसमें कोई कमी हो रही है, तो फिर क्रेडिट में चला जाएगा। इनकम प्रॉफिट जस्ट अपोजिट पोजिशन है एक्सपेंसेस लॉस के, इनकम का नेचुरल साइड क्रेडिट होता है, इंक्रीज इन इनकम प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट होगा, और डिक्रीज इन कैपिटल सॉरी इनकम प्रॉफिट होगा तो डेबिट के स्थान पर लिखेंगे। अब इसी नियम से हम एग्जाम्पल लेकर के आपको आगे सॉल्व करके बतलाएंगे, प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप में बतलाएंगे कि देखिए इस मॉडर्न या अमेरिकन अप्रोच से ट्रांजेक्शंस को हम कैसे डेबिट और क्रेडिट में लिखते हैं। मॉडर्न अप्रोच से अब हम डेबिट और क्रेडिट करने के लिए लेन देनों का कुछ उदाहरण या एग्जाम्पल आपके सामने में लेते हैं, लेकिन इन बातों को जानने से पहले सबसे पहले हमेशा याद रखना है ट्रांजेक्शंस किसका है, तो बिजनेस का है। कहां पे लिखा जाता है, तो बिजनेस के रजिस्टर में कौन लिखता है, तो या तो बिजनेसमैन या बिजनेस का एम्प्लॉई लिखता है। ट्रांजेक्शंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ बिजनेस बाय बिजनेसमैन और एम्प्लॉई ऑफ बिजनेस, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। तो हम अगर क्वेश्चन बनाने बैठे हैं, इसका मतलब अपने आप को हम उस बिजनेस का, उस क्वेश्चन के बिजनेस का ओनर समझेंगे, या एम्प्लॉई ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस हम अपने आप को ट्रीट करेंगे, और बिजनेस के तरीके से ट्रांजेक्शंस को सोचना है और फिर अकाउंटिंग लिखना है, तभी हम सही तरह से डेबिट और क्रेडिट कर पाएंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम आपके सामने में एक एक करके देने जा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है गुड्स परचेज, सामानों को खरीदा। किसने खरीदा, तो बिजनेस ने खरीदा है। क्या खरीदा है, तो गुड्स। कैसे खरीदा होगा, तो पैसा देकर के, कैश। दो एस्पेक्ट तो मिनिमम होना ही होना है, तो एक एस्पेक्ट यहां पे गुड्स है, दूसरा कैश है। अब गुड्स एसेट्स का रूप है, हम जानते हैं बिजनेस का सामान बिजनेस के लिए एसेट्स है। अब पता लगाना है एसेट्स है तो इंक्रीज है कि डिक्रीज है। जब परचेज करेंगे तो बिजनेस का गुड्स
इंक्रीज करेगा, एसेट्स में इंक्रीज है, इसलिए एसेट्स का नेचुरल साइड डेबिट है, इंक्रीज होने से भी डेबिट होता है, इसी कारण से हमने इसे डेबिट के स्थान पर लिखा है। नेक्स्ट है कैश, कैश भी एसेट्स है लेकिन जब सामानों को खरीदेंगे तो पैसा पे करना पड़ेगा, मीन्स ये लायबिलिटीज सॉरी डिक्रीज इन एसेट्स है, और डिक्रीज इन एसेट्स होने के कारण हम क्रेडिट के स्थान पर लिखेंगे। अगला एग्जाम्पल है बिल्डिंग परचेस्ड, बिल्डिंग बिजनेस ने खरीदा, पैसा से खरीदा है, इसका मतलब स्पष्ट है। हर एक किसी भी ट्रांजेक्शन में बिजनेस का नाम नहीं लिखा जाएगा लेकिन हम समझेंगे ये ट्रांजेक्शन बिजनेस ने किया है। तो बिल्डिंग परचेज में एक एस्पेक्ट है बिल्डिंग, और बिल्डिंग खरीदने के लिए पैसा पेमेंट किए होंगे, तो दूसरा एस्पेक्ट है कैश। बिल्डिंग हम जानते हैं एसेट्स है, कैश भी एसेट्स है, तो पता लगाना है इंक्रीज है कि डिक्रीज है। एसेट्स अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, डिक्रीज होगा तो बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, बिल्डिंग एसेट्स है और बिल्डिंग परचेज करेंगे तो बिजनेस में इंक्रीज होगा बिल्डिंग, दैट्स व्हाई डेबिटेड। कैश भी एसेट्स है और पैसा पे करेंगे तो कैश डिक्रीज इन एसेट्स बतला रहा है, इसलिए क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लोन टेकन, कर्ज लिया किसी से भी, एक्स वाई जेड जॉन जनार्दन किसी से भी कर्ज लिया, तो कर्ज या लोन का सिंपल मीनिंग होता है लोन टेकन से भी, सिंपली लोन लेगा तभी हम मानेंगे लोन टेकन। तो लोन जब लिए इट मीन्स लायबिलिटीज फॉर बिजनेस, और लोन लिए तो लायबिलिटी में इंक्रीज है, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का नेचुरल साइड क्रेडिट होता है, इंक्रीज भी होने से क्रेडिट में लिखेंगे। और लोन में क्या लिया तो पैसा लिया, कैश, कैश एसेट्स है, बिजनेस का एसेट्स बढ़ रहा है कैश के रूप में लोन आने से, तो एसेट्स बढ़ने से हम कहां लिखेंगे तो डेबिट। नेक्स्ट एग्जांपल है जॉन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जॉन ने बिजनेस को स्टार्ट किया पैसा इंट्रोड्यूस करके। हम जानते हैं बिजनेसमैन जब पैसा देता है इज कॉल्ड और नेम्ड एज कैपिटल, तो एक एस्पेक्ट हो गया कैपिटल, दूसरा कैश। यहां पर कैपिटल का नेचुरल साइड क्रेडिट होता है, इंक्रीज भी क्रेडिट होगा, तो जब जॉन दिया बिजनेस में तो इंक्रीज इन कैपिटल है, क्रेडिट होगा। कैश एसेट्स है और आ रहा है बिजनेस में, एसेट्स का नेचुरल साइड डेबिट होता है, इंक्रीज होने से भी डेबिट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा रेंट पे, किराया दिया, किराया में क्या दिया तो पैसा दिया, दो एस्पेक्ट है, किराया या रेंट हमारा एक्सपेंस नेचर आइटम है। अब एक्सपेंस नेचुरल साइड डेबिट होता है, इंक्रीज इन एक्सपेंस होगा तभी डेबिट, तो जब हम रेंट पे कर रहे हैं इट मीन्स एक्सपेंस का इंक्रीज है, डेबिट है। और कैश एसेट्स है, पे कर रहे हैं तो कैश बिजनेस का डिक्रीज होगा, क्रेडिट। नेक्स्ट है हमारा गुड्स लॉस बाय फायर, आग लगने से दुकान का सामान नष्ट हो गया, तो एक तो हमारा लॉस बाय फायर एस्पेक्ट है और दूसरा एस्पेक्ट है गुड्स। लॉस बाय फायर आप जानते हैं बिजनेस के लिए लॉस है, लॉस का नेचुरल साइड डेबिट होता है। गुड्स एसेट्स है और जब सामान जलेगा तो सामान घटेगा, डिक्रीज इन एसेट्स है, क्रेडिट होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कमीशन रिसीव्ड, एक कमीशन है, कमीशन मिल रहा है मीन्स इनकम फॉर बिजनेस, क्रेडिटेड। कैश जब हम कमीशन में पैसा पा रहे हैं तो हमारा कैश या बिजनेस का एसेट्स इंक्रीज करेगा, डेबिट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है गुड्स विथड्रू बाय बिजनेसमैन, ने सामान निकाला तो पर्सनल या प्राइवेट किया, घरेलू इस्तेमाल की, तो इस कंडीशन में क्या निकाला तो गुड्स, और नेचुरली निकाला तो बिजनेसमैन निकाला है, तो बिजनेसमैन से अमाउंट मीन कैपिटल पर इफेक्ट करेगा, तो एक एस्पेक्ट हो गया गुड्स, दूसरा कैपिटल। गुड्स एसेट्स है और बिजनेस से आउट हो रहा है, डिक्रीज इन गुड्स है, दैट्स व्हाई क्रेडिटेड। कैपिटल लायबिलिटीज है, कैपिटल कैपिटल का नेचुरल साइड क्रेडिट होता है, और यहां पर मालिक ने बिजनेसमैन ने विथड्रू किया है तो कैपिटल डिक्रीज करेगा, डेबिट होगा, कैपिटल का नेचुरल साइड क्रेडिट है, डिक्रीज होने से डेबिट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है रेंट आउटस्टैंडिंग, किराया देना बाकी रह गया है, तो रेंट एक एस्पेक्ट है, दूसरा आउटस्टैंडिंग रेंट या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कुछ भी लिख सकते हैं। रेंट देना बाकी रह गया मीन्स एक्सपेंसेस लॉस फॉर बिजनेस है, दैट्स व्हाई डेबिट है। अब देना बाकी रह गया मीन्स दूसरे का अमाउंट है और है बिजनेस में, लायबिलिटी फॉर बिजनेस, और इससे लायबिलिटी बढ़ी इसलिए इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिट है। नेक्स्ट एग्जांपल है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, हमने उधार में सामान बेच दिया, तो एक एस्पेक्ट गुड्स है और क्रेडिट में बेचेंगे तो वो आदमी जो देने वाला है डेटर्स कहलाएगा, तो गुड्स एसेट्स है, जब बेचेंगे तो डिक्रीज इन एसेट्स है, क्रेडिट होगा, और देने वाला जो है बिजनेस का पैसा वो इंक्रीज करेगा, वो भी एसेट्स है, इंक्रीज करेगा, डेबिट होगा। नेक्स्ट पेड टू क्रेडिटर्स, यहां पर एक एस्पेक्ट कैश है, दूसरा क्रेडिटर्स है, जैसा कि देख रहे हैं कैश एसेट्स है और जब हम पेमेंट करेंगे तो कैश डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा एसेट्स। क्रेडिटर्स लायबिलिटीज है,
लायबिलिटीज का क्रेडिटर्स का पेमेंट करेंगे तो वो भी डिक्रीज करेगा। लायबिलिटीज का डिक्रीज, लायबिलिटीज का नेचुरल साइड होता है क्रेडिट, नेचुरल साइड क्रेडिट होता है, डिक्रीज इन लायबिलिटीज इसलिए डेबिट होगा। इस तरह से किसी भी एग्जांपल को हम इस क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के माध्यम से मॉडर्न टेक्निक या अमेरिकन टेक्निक से भी, अप्रोच से भी हम डेबिट और क्रेडिट में लिख सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वह निश्चित रूप से प्रॉपर फॉर्मेट क्या है बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को लिखने का, ट्रांजैक्शंस कहां कहां कैसे कैसे किस स्टेप्स में लिखा जाता है और विशेष रूप से उसकी जर्नल एंट्री कैसे होती है, इन्हीं की जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू।